डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पूर्ण समर्थन करते हैं। उदाहरणों छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमेशा देखने को मिलता है कि जब भी किसी मोमिन से कोई सवाल किया जाता है उसका सीधा सीधा वह जवाब कभी नहीं देता है। आज मुन्ना भाई ने एक हदीस के हवाले से यह सवाल किया कि हमजा ने मोहम्मद साहब से ये क्यों कहा कि मोहम्मद साहब हमजा के बाप के गुलाम हैं। इस सवाल का जवाब देने की बजाय मोमिन खामा खा की बातों में डिबेट उलझाने लगा। मोमिन यह तो कहता है कि वह सब कुछ जानता है पर बताएगा नहीं। तो आइए देखते हैं आखिर मुन्ना भाई की इस डिबेट में क्या हुआ। अपने साथ एक रशाद नाम के कॉलर जुड़े हैं। रशाद भाई, आप मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। हदीस है सही अल बुखारी 4003, सही अल बुखारी 4003। ठीक है, ये हमजा को तो आप पहचानते होंगे, हमजा साहब को, समझे? इधर हमजा साहब ने, हमजा नबी के चाचा भी थे और नबी के भाई भी थे, ठीक है जी हाँ। तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला यू आर नॉट बट माई फादर स्लेव। जब इन्होंने अली साहब का ऊंट काट दिया, ऊंट को हलाल भी नहीं किया, सिर्फ ऊंट के जो पीछे कैमल के पीछे जो हम्प होता है जिसके अंदर कैमल पानी स्टोर करता है, जो कुबट कुबट रहता है पीछे, वो कुबट को काट दिया दारू के नशे में, ठीक है। और उसके बाद में जब हमारे रसूल अल्लाह उनको पूछने गए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप जरा अरबी पढ़े, वो जरा अरबी निकालें। हाँ अच्छी बात है, अरबी पे आ जाता है। अच्छी बात, ये लो भाई, बहुत अच्छी बात है। आप अरबी पढ़े, देसी भाई पढ़िए। हाँ जी भाई, मैं पढ़ लेता हूँ। अच्छा एक मिनट अपना मुन्ना भाई, हमारा जो पूरी हुज्जत है ना, वो इस पॉइंट पे वो पॉइंट निकालो, वो जो यू आर द स्लेव वाला, वो वाला पॉइंट निकालो उधर। अच्छा तो आपको अरबी आती है माशाल्लाह से, आप पढ़ लो, आप पढ़िए भाई, आपको अरबी आती है तो आप पढ़िए भाई। मुझे पढ़ो, ऐतराज तो आपको है, मेरे को ऐतराज आपको इंग्लिश में भी वही बताया ना, ऐतराज ही बताया ना भाई आपको इंग्लिश में भी। भाई मुझे ऐतराज वहाँ अरबी से निकालने, अंग्रेजी से नहीं, हिंदी से भी नहीं, अरबी से निकाल के दिखाओ। देखिए अभी एक डिबेटो खामा खा उलझाने लगा। तो ये भाई इंग्लिश में लिखा हुआ, इसको डिलीट। आप अरबी पढ़ के दिखाए भाई, अरबी अंग्रेजी। एक मिनट भाई, मैं अरबी दान नहीं हूँ, तुम्हारे अल्लाह मियाँ को, अगर इतना ही अल्लाह मियाँ को हमको कुरान समझाना था, तुम्हारे अल्लाह मियाँ को हमारे हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर कुरान लॉन्च करना चाहिए था ना, अल्लाह मैंने सिर्फ अरबी में क्यों किया? आप तो गलत बात उतर आए, अभी तो कह रहे थे नहीं बोलते, आप तो गलत बात उतर आए, आप ऐसा कैसे कर? हां तो आपको अरबी आती है, अगर आपको अरबी समझ में आती है तो आप अरबी पढ़िए ना भाई। मुझको तो पता है सारी चीजें, मुझे तो ठीक है। भाई रुक जाओ, मोमिन साहब रुक जाओ, मेरे को ये बताओ कि अरबी के अंदर ये बात नहीं की हुई जो अंग्रेजी में लिखी है, आप ये कहना चाह रहे हो? साबित करके दिखा दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ऐतराज मुझे बताया और अरबी पढ़ के भाई, ऐतराज ये है कि इसके अंदर क्या लिखा है, अरबी पढ़ो ना भाई, वही ऐतराज ही बता रहा हूँ चीचा, आपको ऐतराज बता बताओ, अरबी पढ़ के दिखाओ, मैं समझू जरा। ये अपने आगे किसी को सुनेगा नहीं, केवल अपने ही बोलेगा। अच्छा भाई, मेरे को अरबी पढ़ने नहीं आती, अभी क्या किया? अब पढ़ने नहीं आती तो लोगों को आता है कि ये मतलब हुआ, आपको जब अरबी पढ़ना, तुम्हारी हदीस है ना, तो कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हें अरबी आती है ना मेरे भाई, तुम्हें अरबी आती है ना? अरे आप पढ़ो ना, आपको अरबी आती है? हां मुझको तो अरबी बहुत आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है आपको अरबी आती है, ठीक है। अरे मुन्ना भाई इसको थोड़ा ऊपर करो यार, मेरे को वो वर्ड ढूंढ के दो जो स्लेव वाली बात है, वो कहां पे लिखा हुआ है, मैं देखता हूं। ये स्लेव वाली बात इधर ना यार। अरे भाई आप शुरू से पढ़ो तो सही, मुझे पता चले कि आपने आप मुसलमान थे, अक्सर मुस्लिम है क्या मेरे? अच्छा भाई, मुसलमान होने के लिए अरबी आना जरूरी है? आपको तो अरबी नहीं आती है, आप बोले मुसलमान होने के लिए अरबी आना जरूरी है? नहीं मैं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप तो अरबी। चुप एक मिनट भाई, चुप। आप अपना सवाल मुझे क्यों करते हो भाई? गलत बात नहीं करनी, अरबी का आना जरूरी है तो पहले जो कन्वर्ट करवा रहे हो ना लोगों को पकड़ पकड़ के, वो बंद करो पहले। अच्छा, अरबी सिखाओ, फिर किसी को इस्लाम कबूल करवाओ। एक मिनट हुकूक सिकर जी, मैं अरबी ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता भाई। मैं कहता हूँ कि मैं ये जो सुन रहा हूँ आपकी जुबान से, एक मिनट हुकूक सिकर जी, टॉपिक घुमा रहा है ये आदमी, टॉपिक घुमा रहा है, एक सेकंड। मैं कुछ नहीं घुमा रहा हूँ, मुझे सब पता है।
इधर है ना, मेरे को ना अरबी नहीं आती है, चलो ठीक है, मेरे को सिर्फ कुरान के अंदर जितना कुरान में लिखा है ना उतनी अरबी आती है, हदीस वदीस में अरबी में नहीं पढ़ा हूं, इसमें मेरा इतना ही है, यू आर नॉट बट माय फादर स्लेव। हमजा ने ऐसा बोला नबी को, व्हेन द प्रॉफिट आंसर्स टू दैट हमजा वाज ड्रंक। आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है? मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती है, आपको अरबी नहीं आती है? हाँ तो आप हमको अरबी में आप पढ़ के आप हमको बताओ अरबी में क्या लिखा है, आप पढ़ो ना अरबी। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको जब अरबी आती ही नहीं है तो आप एक्सम मुस्लिम हो, कैसे समझा आपने इस्लाम? अरे पागल इंसान, किसने तेरे को कहा अरबी नहीं आती तो मुसलमान नहीं हो सकते? कलमा आता है ना, कलमा काफी होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोल दिया। आप बोल, ये बताओ पहले कि तुम अभी गालियां क्यों बकने लगे भाई? किसने गाली दी? पागल गाली नहीं होती है, बोल दे, तुम्हारे कुरान के अंदर पागलों की बात की है, कुरान गालियां दे रहा है? ओ बे साले, तुम लोग कैसे लोग बदमाशी करते रहे, तुम बदमाशी क्यों करते हो खबीस लोगों? खबीस अभी गालियां, अभी ये खबीस क्या है? अबे अबे ओ साले बेवकूफ लोग तुम हो, लोगों को गालियां देते हो, समझाते रहते हो, अपनी नफरत फैलाते हो, बदमाशी करते हो। अभी आपसे एक पॉइंट है हमारा, हदीस के अंदर जो बात की गई है, हमजा जो है चाचा जो है हमारे रसूलुल्लाह साहब, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, सुन लो मेरी बात ठीक है ना, हमजा जो थे वो हमारे रसूलुल्लाह के चाचा जी थे, वो उनको क्या कह रहे हैं? उनको कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे बाप के गुलाम हो, यू आर नॉट बट माई फादर स्लेव। अभी इसका अरबी का बोलोगे तो वो भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन ये मेरे को ना बोलो कि भाई तुम्हारी जो है वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, इसीलिए तुम जो है मुसलमान नहीं हो। इधर हम ये बात करने बैठे ही नहीं है मेरे भाई, हमने हदीस निकाली है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अरबी में लिखा हुआ है। आपको गुलाम पर एतराज है, जब आपको अरबी आती नहीं है तो आप अरबी के कल्चर से वाकिफ भी नहीं हो, अरबी कल्चर में गुलाम को क्या तर्जुमा ये भी नहीं मालूम वालू है, और फिर तुम मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है इस हदीस के अंदर लिखा हुआ है अब्द का वर्ड यूज हुआ है। आपको आपको हदीस का कख भी नहीं पता है? आपको पता है तो आप बताइए ना भाई। तो पता है गुलाम का क्या करना है, मुझे ये भी पता है कि गुलामियत कब तक चली, किसने चलाई, ये सब जानता है लेकिन बताएगा नहीं। और ये लिखा हुआ है, रुक जाओ, मुझे पता है भाई, रुक जाओ। इसका मतलब आपने कहा आपको अरबी आती है ठीक है ना, यहाँ से मेरे को बताओ, सुम काला हमजा अबे, ये अबेद का वर्ड जो यूज हो रहा है अबे, इसका क्या मतलब है, इसका बताओ, इसका मीनिंग क्या निकलता है? ला अबी, ये पूरे वर्ड का मीनिंग बता दो सही रह जाएगा, बताओ इसका मीनिंग क्या कर रहे हो भाई आप लोग? मैं मुझे पता है अब्द का तर्जमा क्या, उबीद का तर्जमा क्या, इबाद का तर्जमा क्या, अब्दुल्ला का तर्जमा सब पता है। बोलो ना, तो बोलो बताओ ना, मुझे आपको बताने की क्या जरूरत है, ये बताएं पहले। तो फिर यहाँ आए क्यों? अरे फिर तुम आए क्यों यहाँ पे, अगर आपको बताना नहीं है, आपको बात करनी नहीं है तो आए क्यों? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अब गालियां देने के लिए आए थे क्या यार? रशद भाई आपको बात करनी है टॉपिक पे तो बात करो, मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं वो नहीं बताऊंगा, क्या आप टीवी वाला मौला ना हो? सर आपको पागल वाले लफ्ज पे इतना बुरा क्यों लगा? आप कब से सुन रहे थे इसका मतलब? ये अभी 2-3 मिनट पहले सुनना शुरू किया सर, पागल वाले लफ्ज पे इतना बुरा क्यों लगा सर आपको? अच्छा तो क्या कहेंगे, मैं कबूल कर लूं? कबूल कुरान में बोला अल्लाह ने, अल्लाह कुरान के, कुरान जो अल्लाह का कलाम है कि नहीं है? बिल्कुल, कुरान में मोहम्मद को बताया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि तू पागल है। वमा साहिबुकुम बिमजनून, बस एक ही आयत है, 9 आयत है, बहुत सारी आयतें हैं। तो जब मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तमाम लोग जो मुसलमान नहीं है वो मोहम्मद को पागल कह रहे हैं, तो मोहम्मद को अल्लाह ने क्या कहा इन लोगों को, क्या करो इनके माँ बाप को पागल को, या क्या करूं? नहीं कहा ऐसा। अच्छा क्या कहा अल्लाह ने ऐसा? अल्लाह ने कहा कि ज़ालिक मबलगुहुम मिन अल-इल्म, इनको इल्म नहीं है, राइट? नहीं, इल्म नहीं, ऐसा नहीं कहा, मबलगुहुम मिन अल-इल्म। अच्छा तो अल्लाह ने क्या कहा सर? क्या तर्जुमा है इसका? इनको मालूम नहीं है, ये बगैर इल्म के लोग हैं, मैं इल्म देता हूं, ये तो मेरे इल्म से है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं, आप अपना तर्जमा अपनी मर्जी से कर लीजिए। जब आपको अरबी आती नहीं है तो मैं कैसे बात करूं आपसे भाई? कोई बात नहीं सर, आप मुझसे बात ही ना करें आप, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब कुरान में आपके मोहम्मद को पागल वागल कहा गया तो आपके अल्लाह ने क्या जवाब दिया कि इन सबको आगे से पागल वागल कहो, इनको गालियां निकालो, कहा कि नहीं कहा? नहीं, मोहम्मद को ऐसा नहीं कहा कि आप भी गालियां निकाले। फिर क्या कहा?
आपने आपने यही सेंटेंस क्यों नहीं बोला हमारे सबके साथ रातदन के, आपने आगे से उसकी माँ बाप को भाइयों को बहनों को पागल क्यों कह दिया? नहीं तो वो मेरी मर्जी की बात है कि मैं जितना चाहे यानी कि आप, यानी कि आप जो हैं वो सुन्नत पे और कुरान पे अमल नहीं करना चाहते, मुझे वो तो वो मेरा अपना फर्ज है, वो मैं जानता हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो यानी आप जो हैं वो मोहम्मद साहब की तरह गालियां देंगे, करेक्ट? मोहम्मद ने कभी गाली नहीं दी, अभी मोहम्मद को भी अल्लाह ने कहा था, नहीं कहा था कि गालियां दो, लेकिन मोहम्मद ने भी अल्लाह हमारे गालियां दी, हमारे आप तो कुरान पढ़े हुए हैं, आपने कहा ला तसुब्बुल लदीन, ने भी मोहम्मद ने भी कहा था ना कि मोहम्मद ने भी अपने साथियों को कहा था कि इनको गालियां दो, मोहम्मद ने अपने साथियों को कहा गालियां दो जी, और जिब्राइल भी तुम्हारे साथ होगा गालियां, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी किसी ने गाली गलौज नहीं किया। क्या कैसे बात कर रहे हैं, हमें तो अल्लाह ने सिखाया ला तसुब्बुल लदीन यदून मिन दून अल्लाह, एग्जैक्टली, लेकिन बेसिकली ये कुरान ने सिखाया ना, ये कुरान ने सिखाया, लेकिन रसूल ने भी ये सिखाया कि आप किसी की माँ को गाली ना दो वरना वो आपकी माँ को गाली देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरबी आपको बहुत अच्छी आती है, अरबी पढ़े ट्रांसलेट करें सर, मुझे कुछ भी नहीं करना है भाई, तुम बताओ पहले। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने कहा इनको गालियां निकालो, इनको अब्यूज करो, और अरबी पढ़ो पहले, कहाँ लिखा है बताओ, अहज्जुल मुशरिकीन फइन्न जिब्राइल माका। अच्छा, ये इसका उर्दू का तर्जमा गाली देना है, क्या मतलब है सर इसका, आप बता दें, मुझे तो पता है, मैं तो मेरे डिक्शनरी लिखोगे बता देना, आपको पता नहीं है, जब आपको पता नहीं है तो लोगों को गलत दिखाते हो, कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ, ये देखिए, आपके जो स्कॉलर्स हैं वो उल्लू के पट्टे हैं कि उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन करके लोगों को किसी भी मौलवी को, किसी भी आलिम को, क्योंकि मोहम्मद जो है आपको बनता है, मोहम्मद जो है, नहीं नहीं आपने उल्लू को, आपसे को फिर अभी मुझे कह रहे थे कि आपने उसकी माँ को पागल कहा, अभी आपने उल्लू का पट्टा क्यों कहा? मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरे लिए अल्लाह मेरे पैर की जूती के नीचे लिखा होता है, मैंने हमेशा मैं गाली तो नहीं दे रहा, मैंने बदमाशी देखे निकल गई कि नहीं, मैं उसमें सुनता हूँ, मुझे पता है सारा क्या बदमाशी करता है रोजाना। आप शुक्र करें, शुक्र करें, मैं अल्लाह को इस काबिल समझता हूँ कि पैर की जूती के नीचे लिख लूँ, वरना मोहम्मद का नाम हराम पना करता है तू। हाँ सर, जिस तरीके से आप गुजर रहे होते हैं और कुत्ते की टट्टी बड़ी होती है और आप उसको पैर नहीं रखते, इसी तरीके से मोहम्मद पड़ा होगा तो मैं उसको पैर भी नहीं रखूंगा, क्योंकि उससे मेरा पैर गंदा होता है, तो इस चीज की टेंशन ना लें आप। आप सिर्फ ये बताएं कि मोहम्मद ने गालियां क्यों निकाली और भाग गए भाई। चले सर, थैंक यू सो वेरी मच, भाग गए भाई। कभी हंसी आती तो कभी गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर जी, इतनी सी बात थी ये, और एडम भाई ये बात करने आया नहीं था।